द बार्बी टास्क में आप सभी का स्वागत है। चिंकी मिंकी छत पर पढ़ाई कर रहे हैं। सोना के पापा मम्मी आंगन में बैठकर बातें कर रहे हैं। सोना रसोई में बैठकर खाना खा रही है और रूपा कुएं के पास कपड़े धो रही है। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। सोना के पापा, रमेश का कॉल आया था क्या? हाँ, कल आया था, लेकिन क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रही हूँ कि रमेश वहाँ अच्छे से है ना? ऊपर से पन्नू भी रमेश के साथ साथ है। मालती, तुम कई बार अजीब बातें करती हो। जहाँ रमेश रहता है ना, वहाँ खूब सुख सुविधा है। जिस घर में रहता है वो घर इतना सुंदर है कि क्या बताऊँ। अच्छा, खैर रमेश गांव कब आएगा? काफी दिन हो गए उसे देखे। ये तो रमेश ही बता सकता है कि कब आएगा, मुझे इस बारे में नहीं पता। तभी बीच में रूपा बोलती है, मम्मी भैया को गए हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ और उनके आने की बात कर रही हो। तभी चिंकी मिंकी छत से बोलती है, अरे चिंकी, लग रहा है बरसात हो रही है, चल बुआ को जल्दी से बता देते हैं कि कपड़े उतार लो। दोनों छज्जे की तरफ आते हैं और बुआ से बोलते हैं, बुआ लगता है आज बरसात हो गई, जल्दी से आकर छत के सारे कपड़े उतार लो। तुम दोनों भी अजीब हो, इतनी तेज धूप हो रही है और तुम दोनों कह रही हो कि बरसात हो रही है। हाँ बुआ, अभी मेरे सिर पर पानी की एक बूंद गिरी। बुआ चिंकी सही कह रही है। ऐसा करो, तुम दोनों नीचे आ जाओ, जरा मैं भी देखूँ पानी की बूंद कहाँ गिरी पड़ी है। मालती के बुलाने पर चिंकी मिंकी दोनों आ जाते हैं। दोनों मालती के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जरा देखूँ तो? मालती जैसे उनके सिर पर देखती है जोर जोर से हंसती है। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? आप भी देख लो खुद ही। रमेश के पापा भी जैसे चिंकी मिंकी का सिर देखते हैं वैसे ही हंसने लगते हैं। सबको हंसता देख सोना भी खाना छोड़कर खड़ी हो जाती है। अरे सब लोग इतने जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं, चलो एक बार मैं भी देखती हूँ। सोना भी आंगन में चली जाती है और दोनों के सिर में देखती है, वो भी हंसने लगती है। बरसात की बूंद। अरे क्या हुआ, सब लोग इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं, मैं भी एक बार जाकर देखती हूँ। रूपा भी कपड़ा धोना छोड़ चिंकी मिंकी को देखने आंगन में चली जाती है। रूपा चिंकी मिंकी के सर में देखती है और वो भी जोर जोर से हंसने लगती है। चिंकी मिंकी, ये तुम दोनों से किसने कहा कि बरसात की बूंद गिरी है? रूपा दीदी, चिंकी ने। रूपा दीदी, मुझे मिंकी ने बताया। चिंकी मिंकी, ये बरसात की बूंद नहीं है, ये तुम दोनों के सिर पर कबूतर पॉटी करके चला गया। क्या सच में दीदी? सब लोग चिंकी मिंकी पर जोर जोर से हंसते हैं। बरसात होने वाली है, पॉटी होने वाली है। सबको हंसता हुआ देख चिंकी मिंकी तेजी से कुएं की तरफ भागती है और बाल्टी में से पानी लेकर अपना सिर धोने लगती है। आए, ये तो सच में कबूतर ने पॉटी कर दिया थी। दोनों अपना सिर धो लेती हैं और सिर धोने के बाद दोनों बातें करने लगती हैं। अरे मिंकी, मैंने भी नहीं देखा और तुमने भी नहीं देखा, हम दोनों के ऊपर कबूतर ने चीची कर दिया, सबके सामने हमारा पोपट बन गया। फिर दोनों जोर से हंसते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।